जिला प्रशासन की पहल पर मेडिवर डिजिटल हॉस्पिटल के द्वारा गोरखपुर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टेली कंसल्टेशन शुरू किया गया है। इससे लोग फ्री में सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सलाह ले सकते हैं, जिसका शुभारंभ मंगलवार को जिलाधिकारी के विजय पांडेन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता एवं सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी के द्वारा किया गया। बेतियाहाता स्थित कार्यालय में पहुंचे जिलाधिकारी ने मेडिकल डिजिटल हॉस्पिटल मेडिकल टीम की शुरुआत की। इसमें लॉकडाउन के दौरान घर बैठे ही लोग फोन या व्हाट्सएप नंबर द्वारा डॉक्टर से संपर्क करके चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं और दवाएं अपने आसपास के स्टोर से ले सकते हैं या जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए मेडिकल स्टोर के ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडेयन ने कहा, हमें जैसे सर मैं पेशेंट हूँ, इनका नंबर हमें पता रहेगा, डिस्प्ले होगा अखबारों के माध्यम से, हम इन्हें कॉल करेंगे कि भाई मुझे ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम है और किस आज कोई देखने वाला नहीं मिल रहा, मुझे अपने डॉक्टर नहीं मिल रहे, हमें किसी ऐसे ही डॉक्टर से बात करा। फिर इनके पास वो लिस्ट है, उसमें से जो भी उस वक्त अवेलेबल होगा ये कॉन्फ्रेंसिंग करा देंगे और उसके बाद वो हमें बताएगा कि भाई तुम्हें कैथेटर लगवाना है या क्या करना है। इस तरह से फिर उनका ड्रग्स इत्यादि डिलीवरी का कैसे ये नोट करेंगे। जिसका सर क्या पेशेंट अभी एक ट्रायल जो किया था सर के साथ में, तो अगर वो छुट्टी जिस लोकेशन का रहेगा ऑलरेडी लिस्ट है मेडिकल स्टोर की, तो उनको नंबर दे दिया जाएगा, अगर उनसे कहेंगे कि वो डिलीवर करते हैं ठीक है, नहीं करते तो हम लोग हेल्प करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम 5-6 मेडिकल स्टोर से बात किया है वो जाकर के होम डिलीवरी कर देंगे। होम डिलीवरी बाकी वगैरह से भी उसका बता दो यार, थोड़ा यार तो वो कर लो थोड़ा टेलीमेडिसिन के हिसाब से, प्रोटोकॉल का नंबर है इत्यादि डॉक्टर का लिस्ट चस्पा कर दो फटाफट करा करके, आपको नंबर कौन सी है अभी तो ये दो ही नंबर दे रहे हैं। अच्छा दो नंबर है, वो हंटिंग लाइन कितने है, बिजी रहता है? किसी कंपनी का उस कॉल सेंटर को ही रिक्वायर कर ले, 10-20 लोग अगर कॉल सेंटर पर चला रहा हो कोई, अब कॉल सेंटर कॉल सेंटर में तो करेंगे क्या, तो अल्टीमेटली पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं जो वहाँ बैठे हुए बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो अच्छे एक्सपर्ट होते हैं बातचीत करने में, और वो उनको तो मीडिएटर बनना है ना डॉक्टर और पेशेंट के बीच, तो वही काम तो कर रहे हैं, वही इनके करना है। तो हम ये काम तो मेन जाएगा पैरामेडिकल स्टाफ रखें, क्योंकि वो लोग जानते हैं, वो थोड़ा जानते भी है ना, फार्मेसी टाइप का कोई बैठता है थोड़ा समझ भी लेता है, वो मेडिसिन भी लिख लेगा, फिर वो मेडिसिन आप उस व्यक्ति को व्हाट्सएप कर दो कि अपने पास की दुकान से ले लो या उसके पे मैसेज कर दो। बट दो नंबर बहुत कम है यार, बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ही कम है, शुरुआत तो कर ले है। देखिए आज शाम से आपको नंबर शेयर हो जाएगा, टेली मेडिसिन का सुविधा है, ताकि आप देख रहे हैं अभी ओपीडी यानी जो आउट पेशेंट रोजमर्रा का छोटी छोटी जो किसी का तकलीफ होता है मेडिकल जरूरत है, वो फिलहाल अस्पताल में प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में मना था, इसलिए हम लोग टेली मेडिसिन के जरिए से प्रारंभ कर रहे हैं। एक यहाँ का स्टार्टअप कंपनी गोरखपुर का है, मेडिवेल करके है, उन्हीं कंपनी का जरिए से आज प्रारंभ कर रहे हैं। शुरुआत में हम लोग का सरकारी अस्पताल में कितने डॉक्टर है, तो वो पीडियाट्रिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, सभी लोग उस पर जुड़ते हैं। उसके बाद एम्स वाले से भी बात कर रहे हैं, एम्स के भी जो कितने डॉक्टर्स हैं उन्हीं के भी लिस्ट ले लेंगे, किसी का जो भी मेडिकल तकलीफ पूछना है तो पूछ सकते हैं। फिर ये दवा भी हम लोग यथासंभव फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सरकारी महकमा में अवेलेबल है, तो आपको पहुँचा देंगे घर पर, वो नहीं है तो फिर हम प्राइवेट मेडिकल दुकान से भी आपको सप्लाई करा देंगे। ये टेलीमेडिसिन का फ़ायदा आप लोग भी उठाइए, इसका जो दिया हुआ नंबर है आज आप लोग शेयर कर लीजिए, किसी के कोई भी छोटा मोटा तकलीफ है घर में पूछना, किसी का ब्लड प्रेशर है, बीपी है, जो रोज़मर्रा का जो भी आपका समस्या है वो इसी टेलीमेडिसिन के जरिए से आप दूर कर सकते हैं, सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं और दवा जो चाहिए वो आपके घर में मिल जाएगा आपको। सर तकरीबन कितने डॉक्टर होंगे यहाँ पैनल में? 75 लोग हैं, 74 लोग अभी फिलहाल पैनल में हैं हमारे डॉक्टर, और भी आप प्राइवेट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से बात कर रहे थे, यदि तो ये संख्या बढ़ेगा, कॉलर्स का संख्या बढ़ेगा, उस हिसाब से डॉक्टर का संख्या भी बढ़ेगा, फिर हम लोग का नंबर ऑफ लाइन्स लाइन का जो नंबर भी बढ़ाएंगे। सर टाइमिंग है कि? टाइमिंग अभी तो फिलहाल 24/7 रखे हैं, डे टाइम अभी तो शुरुआत में हम सुबह जो ओपीडी के हिसाब से हम रखेंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक,
अब उसके बाद यदि जरूरत पड़ता है तो फिर रात को भी हम एक्सटेंड करेंगे। वैसे हमारा कंट्रोल रूम में कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कंट्रोल रूम में भी सीएमओ का स्टाफ रहते हैं, रात को किसी के तकलीफ है तो फिर वो सीधे बात कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी है तो 108 102 हमेशा अवेलेबल है आपका, आपका जो कोई भी जो मेडिकल इमरजेंसी है आप तो बुलाएंगे तो 10-15 मिनट में आपके घर पे पहुंच जाता है हमारा गाड़ी, वो आपको ले आकर के इलाज कर देगा।